हिमांशु जी हैं? यस सुमन ठीक है। हिमांशु जी, अपना सुमन क्षेत्र बताए बिना, अपना सुमन नाम और क्षेत्र बताए बिना अपना परिचय दीजिए। नहीं, सुमन है सुमन हिमांशु है सर वो। सुमन सुमन आई एम हियर कैन यू टेक सर। अब बाकी सब लोग ये कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए, सुमन को छोड़ के म्यूट कर लीजिए सब लोग। चलिए सुमन जी बहुत ही संक्षेप में अभी आप कहाँ से आप पास अपना आउट नाम, नाम और क्षेत्र बताए बिना अपना परिचय दीजिए। कृषि सर। मैंने अपना कृषि में स्नातक बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर से करी है। साथ ही साथ मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है मृदा और मृदा रसायन में। ले रहे हो? ओए बच्चा, हिल काहे ले रहे हो? ऐसे ऐसे मृदा अस्थिर से और रहो, हिलो मृदा मत ऐसे रसायन में सर ऐसे। मैंने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ से की है। अभी मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मृदा और मृदा रसायन संभाग से अपना पीएचडी परसू कर रहा हूँ सर। संतोष सर कहाँ आई आर आई से कर रहे हैं क्या? अच्छा यस सर, यस किसमें, सोयल साइंस में कर रहे हैं। सर, अच्छा एक चीज बताइए, सोयल स्ट्रक्चर और सोयल टेक्सचर में क्या अंतर है? सर जो सॉइल टेक्सचर है सर, वो सॉइल में जो डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स और सेपरेट्स हैं उसका रिलेटिव प्रोपोर्शन को बताता है। सॉइल स्ट्रक्चर जो है अरेंजमेंट ऑफ ऑल दिस सेपरेट्स, हाउ दे अरेंज विच अदर, दे विल रिफ्लेक्ट दिस थिंग्स। सोयल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सोयल स्ट्रक्चर। सर सॉइल के बिहाफ ऑफ दिस अरेंजमेंट इन द शेप डिफरेंट होते हैं, लाइक सर प्रिज्मेटिक, कोलमनार, ब्लॉकी एंड स्फेरॉइडल्स। इसमें कौन सा मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स, विच वन विच? सर क्रॉप्स के लिए सर एस्पोराइडल होते हैं, एस्पोराइडल में भी सर मोर जो होते हैं वो क्रम्बी टाइप स्ट्रक्चर मोर सुटेबल होते हैं बिकॉज ये मोर पोरस है। ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिशन न्यूट्रेंट किसने दिया है? सर आर्नोल्ड स्टॉट नाम के दो साइंटिस्ट ने ये 1954 में ये क्रिटेरिया दिया था सर। कितना है एसेंशियल न्यूट्रेंट, सर 17 सर, लास्ट कौन सा है? निकल सर। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रेंट कौन कौन से क्लासिफाई करें? सर प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, सेकेंडरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। गुड। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, कोई क्रॉप्स है उसमें जिंक की डिफिशियंसी है तो उसको कैसे पहचानेंगे, क्या उसका सिम्टम्स होगा? सर किसी क्रॉप में अगर जिंक की डिफिशियंसी है तो जो जिंक होता है वो प्लांट में सर मॉडरेटली मोबाइल होता है, इसलिए इसकी डिफिशियंसी हमेशा सीडिंग स्टेज में या बाद के दिनों में भी अगर आती है तो वो मिडिल लीफ में ज्यादा आता है, और इसमें आयरन रस्टी कलर का अपियरेंस आ जाता है इसके लीफ पे सर। अच्छा एक चीज आप बताइए, आपको आइडिया होगा तो, यदि पैडी का क्रॉप है राइट, और उसमें पोटास की कमी है उस फील्ड पे, और पैडी का क्रॉप ले रहे हैं, तो हम कैसे बिना खाद दिए हुए उस फील्ड का पोटास की कमी को दूर किया जा सकता है, क्या कैसे करेंगे? अगर किसी पेड़ी खाद दी हुए, मतलब सर फर्टिलाइजर उपयोग नहीं करना है, नहीं करना है, कल्चरल कल्चरल मेथड करना है आपको, सिर्फ ओनली कल्चरल मेथड्स। मेथड्स में सर हम एरेशन कर सकते हैं उसमें, अगर अगर हम पानी निकाल दे तो ड्रेनेज अगर हो जाएगा तो इट में भी एरेशन इंप्रूव कर सकता है उसको, क्योंकि जो रिड्यूस कंडीशन में होता है कि फॉस्फोरस की कमी हो सकती है सर। उसके अलावा अगर हम खाद के द्वारा करें तो पोटेशियम नाइट्रेट का सर हम स्प्रे कर सकते हैं जो नहीं कि नहीं रिकमेंडेड। मैं तो कह रहा हूँ कि हमको खाद नहीं यूज करना है, फर्टिलाइजर यूज नहीं करना है, कैसे करेंगे उसके आपको बाद कुछ सर आइडिया? अलगा का भी अगर हम ये डालें तो हम उससे भी सर इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मात्रा पोटास का सर उससे भी अच्छा मिल एक चीज जाता है। मुझे बताइए, नहीं ये सब सुन गलत है आप जो बता रहे हैं, एक चीज बताइए, पैडी स्ट्रो में क्या पाया जाता है? पैडी स्ट्रो में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सारे तत्व तो होते हैं सर। हाँ पैट्रोसम सारे तत्व तो होते हैं सर, स्ट्रो है तो सर बायोमास, उसमें तो सारे कुछ होंगे। उसमें, चीज आप पढ़िएगा कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। पैडी स्ट्रो जो हम छोड़ देते हैं ना उसमें पोटास की मात्रा काफी रहती है। यदि हम पैडी स्ट्रो को लगातार 5 सालों तक उसमें आप इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो पोटास की मात्रा जो हद तक जो है इनरिच हो सकती है।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा अच्छा सकता है। आप जैसे सॉयल साइंस से कर रहे हैं है ना, तो ये चीज़ एक करिएगा। एक चीज़ और बताइए आप। अच्छा पूछिए सर, पूछिए पूछिए। हाँ एक चीज़ और बताइए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल्स बताइए क्या क्या सर है। सॉइल को सर मेजर इंडियन ग्रुप ऑफ सॉइल जो है वो 8 है, अगर ऑर्डर के हिसाब से बोलेंगे तो 12 है, लेकिन मेजर 8 है, जिसमें रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिड और सेमी एरिड जोन के सॉइल, अल्कलाइन और अल्कली सॉइल, पीटमोन सॉइल और पीट सॉइल और हिमालयन सॉइल्स आते हैं। अच्छा ये अच्छा ब्लैक आप सॉयल जो कहाँ से है बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स कहाँ से करते हैं समस्तीपुर आप। बिहार से सर। समस्तीपुर, ठीक है। तो समस्तीपुर यदि हम आपको बोले कि समस्तीपुर जिला जो वहाँ पे कौन से सॉयल हैं। सर समस्तीपुर में सर दो तरह की सॉइल मेनली पाई जाती है, कैल्केरियस और नॉन कैल्केरियस सॉइल, जो कि एलुवियल नेचर के, एलुवियल, कैल्केरियस और नॉन कैल्केरियस सॉइल। हेलो, आवाज यस क्लियर, सर। आपका वॉइस क्लियर नहीं आया। थोड़ा सा लाउड बोलिए। सर कैल्केरियस और नॉन कैल्केरियस सॉइल पाए जाते हैं सर। कैल्केरियस सॉइल कैसे फॉर्मेशन होता है। सर बिहार में जो जहां भी कैल्केरियस सॉइल मिलता है वो हिमालय के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और जो पेरेंट मटेरियल हमारा है जो मिट्टी के नीचे, वो लाइम स्टोन है मेनली। तो ये दो जो हमारे एक बिहार के साइंटिस्ट हैं सर, डीपी डॉक्टर डीपीएस दिवाकर और सिन्हा, उन्होंने लिथोजेनिक ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में बिहार में लिखा है, तो उन्होंने ये दो रीजन बताया है कि पेरेंट मटेरियल जो लाइम स्टोन है उसके कारण, या सैंड स्टोन के कारण, या जो हिमालय में जो ज्यादातर जो पेरेंट मटेरियल है वो भी लाइम स्टोन सैंड स्टोन है, तो वहां से लाई हुई मिट्टी जो सिल्ट और सैंड है उसमें हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम है, तो धीरे धीरे क्या होता है डिफरेंट प्रोफाइल लेयर में उसका जमाव हो रहा है, और उसी जमाव के कारण सर कैल्केरियस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है अच्छा बिहार। एक चीज़ और लास्ट सवाल है, सॉयल फॉर्मेशन में कई सारे फैक्टर्स हैं, उसमें इनएक्टिव और एक्टिव फैक्टर्स हैं, तो हमें इनएक्टिव फैक्टर्स बताइए कौन कौन है उसमें। सर सॉइल फॉर्मेशन में जो इनएक्टिव फैक्टर है वो सर पेरेंट मटेरियल, और जो पेरेंट मटेरियल है उसका सर सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो सॉइल फॉर्म करता है वो पेरेंट मटेरियल पे ही फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो पेरेंट मटेरियल का ये एक रोल हो गया सर। दूसरा जो इनएक्टिव फैक्टर हमारा है वो है सर हमारा इसका वाटर इक्वेशन होता है, क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट इक्वेशन होता है, सॉयल फॉर्मेशन का यस इक्वेशन होता है, इक्वेशन याद है आपको, सर, यस सर, कि बताइए CLRO2T, क्या। क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, टाइम, पेरेंट मटेरियल और स्लो। ठीक है, वेरी गुड सर, हमारे तरफ से सॉइल का डेफिनेशन दीजिए, सॉइल व्हाट इज सॉइल। सर सॉइल इज ए नेचुरल डायनेमिक इंटेंसिटी दैट हैव द कैपेसिटी टू ग्रो द प्लांट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। सॉइल का वो तो आपका जो बुकिश हुआ वो बताया, जो कि सॉइल का जो उसमें सॉइल किन किन इससे बनता है वो बताओ। सॉइल सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन सर फॉर्मेशन का प्लीज। प्रोसेस बताइए। सर सॉइल फॉर्मेशन का सर बहुत सारे प्रोसेसेज हैं, मेनली हम इनको दो तरह के प्रोसेसेज में बांटते हैं। एक जो होता है जो प्रोसेस होता है हम जिसको हम बोलते हैं कि प्रोसेस दैट विल रिलेटेड टू द क्लाइमेट, अनदर इज दैट विल नॉट रिलेटेड टू द क्लाइमेट, दैट्स जैसे कि कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पोलराइजेशन, लेटराइजेशन, एसलिनाइजेशन, डीसलिनाइजेशन, दीज आर द प्रोसेस दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल अंडर द टाइम बींग सर, पीडियोलॉजिकल टाइम बींग। अच्छा ये बताइए आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। सर समस्तीपुर से। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो सवाल है मेनली, ठीक है मेनली, उसका आप बताइए, उसका प्रोफाइल बताइए हमको, सवाल प्रोफाइल बताइए समस्तीपुर का। सर समस्तीपुर के जो सॉइल है सर हम उसको दो प्रोफाइल बोल सकते हैं सर, जो सॉइल जो नदी के किनारे से दूर है वहां पे डिफरेंट लेयर डिस्टिंग्विश्ड दिखते हैं हमको, जैसे ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर, लेकिन जो नदी के किनारे का भाग है वहां पे ए लेयर के तुरंत बाद हमको कहीं कहीं पे पेरेंट मटेरियल भी दिखता है, मतलब ए जस्ट बिहाइंड द सी, लेकिन दूर के लेयर में ए बी सी हमको तीनों दिखेंगे, क्योंकि ओ लेयर की हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि समस्तीपुर में ज्यादातर जो एरिया है वहां पे फॉरेस्ट का जो है वो आच्छादन नहीं है, तो हम इस चीज के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो डिस्टिंग्विश्ड लेयर है ए बी सी वो तीनों दिखते हैं हमको। वो नहीं, आप उसका उसका प्रोफाइल बताइए, पीएच का वैल्यू कितना है। सर जो समस्तीपुर का सॉयल है उसमें सर जो पीएच है
एज पर रिपोर्ट ऑफ द डॉक्टर आरपीसीयू वो 7.5 से 8.5 जाता है। रीजन इज द हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के अदर साल्ट और सोडियम के अदर साल्ट। वो मोस्ट आइडियल कौन से क्रॉप के लिए हुआ? सर जो कैल्केरियस सॉइल है वो ज्यादातर हमारे यहाँ जो है जो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है वो तो है ही, उसके अलावा ये टवेको के लिए और लीची के लिए ये हम मानते हैं कि बहुत सुटेबल सॉइल है, क्योंकि इसके जो टवेको और लीची होते हैं उसका एसेंस अलग ही होता है। और दो चीज बहुत फेमस है सर समस्तीपुर, चूंकि समस्तीपुर का सॉइल जो मुजफ्फरपुर के एरिया है उससे जुड़ा हुआ जो एरिया है वहां पे वो जो कैल्केरियस सॉइल है उसमें लीची का खेती बहुत अच्छा होता है। और एक सरईसा का खैनी हम सर बोलते हैं वो बहुत फेमस है, टबेको जो जनरली च्यूइंग टाइप का टबेको होता है, च्यूइंग टाइप और बीड़ी टाइप का टबेको होता है जो कि बहुत ज्यादा ही उसके साथ टेक्सचर और फ्लेवर होता है। टबैको में कौन कौन सा रोग लगता है और उसके उसके ये कौन है, कैसे ट्रांसमिट होता है वो बताओ। सर टबेको में टबेको का जो मोजेक वायरस है वो है सर वेक्टर, सर आई गेस कि सर उसका भी वेक्टर व्हाइट फ्लाई ही है सर, वायरल डिजीज है। उसके अलावा उसमें गलन भी होता है, मतलब विल्टिंग भी होती है और ब्लाइट भी, और अल्टरनेट या ब्लाइट भी होता है उसमें से। अच्छा, और ये बताइए पेरिनियल क्रॉप क्या होता है? पेरेनियल क्रॉप सर, अच्छा, सर क्रॉप दैट विल बी ग्रोन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन लाइक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और सम ऑर्नामेंटल क्रॉप्स आर देयर, दे आर द पेरेनियल क्रॉप्स। कुछ वेजिटेबल्स को भी हम पेरेनियल बोलते हैं जैसे कि सर परवल जो है उसको हम पेरेनियल बोल सकते हैं। ये बताओ जो बिहार का जो एग्रीकल्चर आउटपुट है, ठीक है, उसकी सस्टेनेबिलिटी में मेजर चैलेंजेस क्या क्या है? बिहार के एग्रीकल्चर आउटपुट के सस्टेनेबिलिटी में मेजर चैलेंजेस बताओ। सर अगर हम मुख्य बातों पे ध्यान देंगे तो सर जो फ्लो जो है इसमें क्रेडिट का फ्लो कि लगातार जो जो मतलब एग्रीकल्चर में जो हम अलग अलग इनपुट्स लगाते हैं वो इनपुट वेरी करता है। दूसरा बात जो है क्लाइमेट, क्लाइमेट भी हमारे यहाँ ड्राउट और जो फ्लडिंग है दोनों का प्रॉब्लम है, तो ये जो हमारा जो प्रोड्यूस है उसको कहीं ना कहीं जो होते हैं ये। उसके बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग भी एक चैलेंजेज है हमारे यहाँ, जो कभी कभी पोटैटो और मेज में ऐसा देखा जाता है कि अगर हाई प्रोडक्शन अगर होता है तो उसके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं होता है। उसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि अगर हम कुछ और पॉलिसी बेहतर इंटरवेंशन कर सकें तो एग्रीकल्चर के आउटपुट को और सस्टेनेबल बना सकते हैं। सर वेरी गुड। अच्छा, ये समस्तीपुर का क्रॉपिंग पैटर्न बताइए। समस्तीपुर का सर अगर हम होल डिस्ट्रिक्ट का क्रॉपिंग पैटर्न जो है अलग अलग जगहों और ब्लॉकों के हिसाब से चेंज हो रहा है सर। वहाँ जो मुजफ्फरपुर से लगे हुए एरिया है वहाँ पे ज्यादातर जो क्रॉप है वो वेजिटेबल प्लस राइस का होता है, लेकिन जो खगड़िया से लगा हुआ एरिया है वहाँ पे मेज और वीट, जो मेज वीट एक साथ लगाते हैं हम रबी में और खरीफ में, बहुत जगह जो बिथान जैसे प्रखंड में फेलो लैंड होता है लेकिन कुछ जगह पे हम मेज वीट के अलावा जो खरीफ है खरीफ में हम सोयाबीन या मेज लगाते हैं। अच्छा, और बिहार में स्पेसिफिक हम जानते हैं कि तीनों सीजन में मेज लगते हैं, तो कुछ एरिया आप समस्तीपुर है वहाँ भी तीनों सीजन में मेज लगता है, और सर सोयाबीन जो कुछ एरिया में लगाया जाता है समस्तीपुर में। सर लास्ट क्वेश्चन, आपका चयन बिहार कृषि सेवा के लिए हो जाता है तो आपकी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? सर चूंकि सर मैं सॉयल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने अपनी अप टू PhD अभी तक की पढ़ाई सॉयल साइंस में की है, तो मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि हम हाउ कि कब हम अपनी स्वास्थ्य जो मृदा का स्वास्थ्य है उसको हम कैसे अच्छा रख सकते हैं। क्यों इसके पीछे मेरे मैं ये तर्क देता हूँ सर कि जो अगर हमारा मृदा अच्छा होगा तो नो डाउट उससे प्रोड्यूस होने वाले क्रॉप अच्छे होंगे, और अगर क्रॉप अच्छा होगा तो उसको कंज्यूम करने वाला आदमी जो लोग होंगे वो अच्छे होंगे। दैट विल इट क्रिएट वन नेक्सस दैट इज द सॉयल क्रॉप ह्यूमन और एटमोस्फेयर नेक्सस, ऑल दिस थिंग्स आर सस्टेनिंग इफ आवर अर्थ इज ऑल्सो सस्टेनिंग। तो मैं सबसे पहले मृदा के स्वास्थ्य के बारे में किसानों को जागरूक करूंगा तो कैसे उसके स्वास्थ्य को वो बनाए रख सकते हैं। हो गया संतोष सर, आपका म्यूट है, संतोष सर म्यूट है, म्यूट बहुत अच्छा रहा सर इनका, अब जा एक्सीलेंट सकते हैं एक्सीलेंट। ये। हाँ सर सर एनी फीडबैक सर प्लीज सर, हाँ, व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव सर, एक्चुअली आपकी फाइव इंटरव्यू इज माई बहुत डे है, ऑफ इंटरव्यू सबसे सर। बड़ा है कि इंटरव्यू तुम हिलो मत, हाँ हिलते हिलना रहो। नहीं है आपको, हिलना नहीं है। नहीं,
अब बाकी साहब दो तीन पॉइंट समझ लीजिए, आप हिलिए मत और प्रश्न खत्म होने के 2-3 सेकंड के बाद बोलिए, सुनिए, ठीक है, सर बोलकर फिर स्टार्ट किए, सर दिस जो आंसर है वो बोलिए, हिलना मत, ऐसे इरिटेट हो जाएगा हिलने से। हाथ को सीधा रखिए, हाथ को अपना दोनों जो घुटना है उसके सामने ऐसे रख के बैठिए हमेशा, और डेली प्रैक्टिस कीजिए उठने बैठने बोलने का। आता इंटरव्यू सब कुछ है, नो डाउट, है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा पुआल और स्वायल, है ना, पुआल जो है और स्वायल को, पुआल को जलाने से इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है विथ डेटा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पूछे 1 टन पुआल जलाने से वातावरण में क्या क्या नुकसान होता है, जो पॉल्यूटेंट्स है वो कितने होते हैं, कुछ पता है डेटा, यस सर, यस सर, एक्चुअली बताइए। डेटा एट दैट टाइम आई एम फॉरगेटिंग सर, बट आई रिमेम्बर सर, नाइट्रोजन आई बताइए, आप पीएचडी कर रहे हैं, डेटा बताइए, डेटा। नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस सारे के लॉस होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी लॉस होता है सर। देखिए, और लॉस नहीं, 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर रहता है, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, 199 किलोग्राम राख रहता है, और 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड। आपको डेटा याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह पूछेगा, 1 टन पुआल को नहीं जलाकर अगर उसको मिट्टी में मिलाते हैं तो क्या मिलता है, तो नाइट्रोजन पोटास सल्फर, ये तीनों देख लीजिएगा डेटा में, 20 से 30 किलो हो गया नाइट्रोजन, 60 से 100 किलोग्राम पोटास और 5 से 7 किलोग्राम सल्फर हो गया, ठीक है, ये सब डेटा देख लीजिएगा। बाकी आपको सब आता है, कब है इंटरव्यू, 5 को सर, चलो पांच 5 को है, तो हम चकाचक करके जाइए। और किस चीज में हुआ है, बीओ में, एसडीओ में, दोनों में, किस में हुआ है, तीनों में सर, प्लांट तीनों में? प्रोटेक्शन में होगा, प्लांट अच्छा, तीन तीन है, प्रोटेक्शन में ना ठीक है, तीनों में हो जाएगा, तीनों में हो जाएगा। और आपके सीनियर नहीं, बैठे हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, अभी प्रोजेक्ट हैं, तो आप सर संतोष सर प्लांट प्रोटेक्शन के भी असिस्टेंट डायरेक्टर है ना आप। उसमें भी हैं हाँ हाँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं डिप्टी पीडी हूँ सर, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन हूँ, चलिए, और डीओ के दैनिक प्रभार में ही था अभी। तीनों चीजें हैं सर, तो आपके सीनियर हैं, और जल्दी आप लोग इनको ज्वाइन कीजिए। चलो अच्छा, इंटरव्यू, मैं सर ओवरऑल फीडबैक देना चाहता हूँ, आज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सर एक्सेलेंट थे, सभी का 30+ 35 स्कोर आएगा, और आज मजा आ गया सर इंटरव्यू लेने में, है ना, ऐसा ही इंटरव्यू होना चाहिए था, और मेरे आज के बेसिक्स सबको जानकारी भी थी, एग्रीकल्चर का टेक्निकल नॉलेज अच्छा था आज के को सर पता है कैंडिडेट्स इसका मकसद क्या है, ये ऑनलाइन जो है उसका पता है मकसद क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देने का सारा मिलता है बच्चों को एक साथ, इतने सारे बच्चे सुनते हैं और देखते सर आज संजो की बात है कि तीन तीन कैंडिडेट आई ए आर आई से पढ़ रहे हैं और वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। चलिए, अच्छा है आप लोगों का चलिए, जो, ऑल द वेरी इंटरव्यू बेस्ट सभी लोगों को, कंक्लूड करते हैं, ठीक सर, आज का कंप्लूट 2 घंटा हो गया सर। ओके चलिए, सुन ऑल द वेरी बेस्ट, कल का जिनको है सभी को सुमन बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमन सुन रहे हैं आप,